हालेलुया हालेलुया। जोर से ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, मुहैया करने वाला परमेश्वर, जो सब कुछ बदल देने की ताकत और सामर्थ्य रखता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बोलो परमेश्वर, आपने मुझे संभाला, नया दिन दिखाया, नया जीवन दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बोलो परमेश्वर हालेलुया, जो मुझे संभाल लिया है, छुड़ा लिया है और अद्भुत कामों को मेरे जीवन में प्रकट करके दिया। बोलो परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है और अद्भुत है। वो सामर्थी है जो सब कुछ बदल देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। आमेन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज हर एक जन यीशु के कदमों में आए, उसके सम्मुख में आए, उसका धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। हर एक जन यीशु की तारीफ करें, उसके नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उस महान उद्धार जो प्रभु ने हमें दिया है, हर एक जन धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो परमेश्वर ने चमत्कार दिखाए, जो हम बाइबल में इतने सारे चमत्कार को पढ़ते, इतने सारे चमत्कार परमेश्वर ने दिखाया और गुण और भेद की बातें परमेश्वर ने हमसे हमारे लिए प्रकट किया, इसके लिए हर एक जन धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करें। समस्याओं का हल यीशु मसीह के पास है और वो हल यीशु के पास है। जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हालेलुया हमसे बातें करता, हमें आंसर देता है। हालेलुया। हमारे हर एक क्वेश्चन का आंसर इस बाइबल में, वचन में, और कई लोगों को आंसर मिल चुका है, इसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज हो सकता है कई लोग परेशान हैं, आज हो सकता है कई लोग बीमारी के स्थितियों में, आज हो सकता है कई लोग ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हुए कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम इन सारी प्रॉब्लम में से कैसे निकलें। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। कितने लोग आज दुखों का, तकलीफों का सामना कर रहे हैं, कितने लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कितने लोग ऐसे समस्या में फंस गए जिनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कई लोग आज बहुत बीमार हैं और बीमारी की वजह से परेशान हैं। परेशान तो हैं, साथ ही वो निराशा में हो गए, निगेटिव हो गए हैं। हालेलुया। अब उनका मन नहीं करता जीने का, उनका मन नहीं करता। हालेलुया, क्योंकि वो थक चुके हैं। लेकिन एक शुभ समाचार, गुड न्यूज आपके लिए आया है और वो ये है कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सारी समस्याओं से आजाद करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो आनंद देने वाला परमेश्वर है। निराशाओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज हो सकते हैं बहुत सारे नए लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, लेकिन देखो हालेलुया, हमारा परमेश्वर महान है। वो जीवित है, वो स्टेच्यू नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, जो सुन सकता है, जो चल सकता है, जो सांसें लेता है, जो आपको छू सकता है, आपको छूकर चंगा कर सकता है, ऐसा हमारा परमेश्वर है। यदि आज आप विश्वास करोगे परमेश्वर पर, तो आपके लिए अद्भुत काम करेगा। कितने लोग आज विश्वास करना चाहते हैं जीवित परमेश्वर पर, कि कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपके लिए अद्भुत काम करे, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छूकर चंगा करे, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छुटकारा दे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह हमारे लिए आया है, इस जगत के लिए आया है, आपके लिए आया है। हमारे लाइफ में बीमारी, परेशानी, समस्याएं, जो बीमारी अब से जूझ रहे, समस्याओं से जूझ रहे, तो हो सकता है कई लोगों का कोर्ट केस चल रहा, हो सकता है प्रॉब्लम में फंसे हुए। हालेलुया। हो सकता है ऐसी बीमारी लगी जिसका कोई ट्रीटमेंट, इलाज नहीं, लेकिन उस सारी बीमारी को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया,
उसने हमारे लिए कोड़े खाए और इसलिए उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। कैसे जब हम विश्वास करते कि यीशु मसीह प्रभु है, वो जीवित परमेश्वर है और उसके द्वारा मुझे जीवन मिला है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ, प्रभु यीशु का धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, पूरी दुनिया और जगत के लिए आज छुटकारा देने के लिए आया है। आज हर एक जन परमेश्वर पर विश्वास करें। हालेलुया, विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ करें, प्रभु यीशु की महिमा करें, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें कि मुझे जीवित परमेश्वर मिल गया, मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मिल गया जो मुझे छुटकारा देगा, जो मुझे ब्लेस करेगा, जो मेरे लिए अद्भुत काम करेगा, जो मुझे छुड़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जिस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और हम एक पुरुष के बारे में देखते हैं जिसका नाम अय्यूब था और उसके बारे में बाइबल कहती है वो खरा था, वो सीधा था। हालेलुया, और जब वो बीमार पड़ा, हालेलुया, तो सर से लेके पांव तक फोड़े हो गए। और उसके बाद जो उसकी प्रार्थना थी वो पॉजिटिव वे की प्रार्थना थी। और वो कैसी प्रार्थना थी? वो कहता है हालेलुया कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया, और वो कहता है 26 वचन में, 19 अय्यूब की किताब 19 अध्याय 25 26 27 में हम पढ़ते हैं उसका वचन लिखा है, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हम 27 वचन में पढ़ते हैं, उसके दर्शन में आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। और तुम जो कहते हो कि हमको कि हम इसको कैसे सताए, तुम तो तलवार से डरो और क्रोध का परिणाम तलवार का दंड जिसे तुम जान लो कि न्याय होता है। और उसकी प्रार्थना ये थी कि उसका दर्शन में आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। अपने लिए मतलब जब हम वो बात कर रहे हैं परमेश्वर के दर्शन की, जब आप परमेश्वर का दर्शन करते हैं, जब प्रभु विजन देता है, जब प्रभु की आवाज सुनाई पड़ती है, जब प्रभु बात करता है, जब रोशनी उसकी पड़ती है, हालेलुया, तो वो बीमारी से आजाद हो जाता है। क्योंकि उसने सिर्फ चंगाई को नहीं मांगा, वो परमेश्वर को ही मांगला जो परमेश्वर के पास सब कुछ है, एवरीथिंग है। हालेलुया, और इस प्रकार से जब वो परमेश्वर में बना चला और अड़े और खड़े रहा तो एक ऐसा समय आया कि परमेश्वर ने पूर्ण रीति से चंगा कर दिया। वो परीक्षाओं में फेल नहीं बल्कि वो जयवंत हो गया, वो जीत गया, वो सक्सेस हो गया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु, और वो परीक्षाओं में पास हो गया। आज कितने लोग ऐसी बीमारियों में, परेशानी में, समस्या में, आज अपनी आशा ना खोए, परमेश्वर पर विश्वास रखे, प्रभु आपके अद्भुत काम करेंगे यदि आप विश्वास में स्थिर हो। आपको विश्वास में स्थिर होने की जरूरत है, आपको भटकना नहीं है, आपको इधर और उधर की बातों में मन नहीं लगाना है, आपको सिर्फ मन लगाना है परमेश्वर के वचनों पर, आपको मन लगाना है प्रार्थना में, आपको मन लगाना है संगति करना है, परमेश्वर के रास्तों पे चलना, ताकि प्रभु आज आपके लिए अद्भुत कामों को कर सके, परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम कर सके ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। लेकिन आज आपको स्थिर रहना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। आज विश्वास को पूरा काम करने दो ताकि आप गवाही को देख सके ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। आज विश्वास को, आज परमेश्वर के को अपने लाइफ में काम करने दो। अलाउ करोगे परमेश्वर को अपने लाइफ में काम करने के लिए तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा ईश्वर मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज हर एक जन परमेश्वर की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। वो सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सब कुछ बदल देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। आज हर एक जन उसके कदमों में आ जाए, उसके चरणों में आ जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग परेशान हैं, बीमार हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको टच करें, प्रभु आपको शोर रचात करें, परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत काम करें। और रबा शांत नमकती रबा शांत रबा कती रबे के तेरा प्रभु ये शोपा दया कर, प्रभु ये शोपा सहायता कर, प्रभु ये शोपा मदद कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा को टच करें। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त राइट नाउ होली घोस्ट फायर हर एक बीमारी के ऊपर। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु का लहू को आपके ऊपर छिड़कती और चंगे और आजाद हो जाओ। स्किन की डिसीज को मैं ठाड़ती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। जिनको दौरे पड़ते हैं, हालेलुया, प्रभु चंगा कर, बोलो यीशु मसीह मेरी दवा है, वो मेरा सब कुछ है। मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया, जिस कन्फ्यूजन में है प्रभु आपकी सारी कन्फ्यूजनों को दूर करें, हर एक निराशाएं चाहे, डरिए मत, घबराइए मत, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। आज विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा देखोगे। आज निराश मत हो, आज अपनी आशा को मत खो, परमेश्वर पर विश्वास को मत खो। यदि आप चाहते कि प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करे तो वेट करें, परमेश्वर के प्रेजेंस में धीरज को काम करने दो ताकि आप वो अद्भुत कामों को देख सको, इनाम को ले सको, प्रतिफल को पा सको ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। रश न करो, जल्दबाजी न करो, विश्वास में स्थिर रहो और प्रभु आपके लिए काम कार्य करना चाहता है। यदि आज परीक्षाओं का समय चल रहा है, हालेलुया, आपके जीवन में आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है तो
सोच लो कि प्रभु ये एक परीक्षा का समय और आपने इसमें धीरज धरना, चुप रहना है, प्रार्थना में रहना है, संगति करना है, वचन में स्थिर रहना है, ताकि एक ऐसा समय है जिसमें प्रभु आपको छुटकारा दे, आपको चंगा करे, आपको ब्लेस करे, आपके लिए नए रास्ते खोले यीशु के समर्थी नाम में। हम प्रार्थना करते हर एक हरी बीमारी को मैं टाँट यीशु के समर्थी नाम में, हर एक पेन और दर्द होली को स्वागत जाए, हाली जो चल नहीं पाते चलने लगे, शुगर और बीपी यीशु के समर्थी, अप एंड डाउन जो बार बार होती है यीशु के समर्थी नाम में चंगे और आजाद हो जाए। हरी बीमारी किशोर को छोड़ के जाए, जो सेवा के लिए है, जितने पास्टर्स लोग हैं प्रभु उनको भी ब्लेस करना, प्रभु जी मदद करता कि प्रार्थना वाला हृदय दे, प्रार्थना का आत्मा दे, तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए मदद उत्साह करना, प्रभु तेरी मर्जी इनके जीवन में पूरी हो, ये जहाँ जहाँ जाते स्वर्गदूत के बाड़े में रखते यीशु के लहू में कवर करती हूँ, इनके फाइनेंस को ब्लेस करना, इनके डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती यीशु के लहू में कवर करती हूँ, जॉब के रास्ते खुल जाए, इनके काम के रास्ते खुल जाए, बंद रास्ते खुल जाए, बिजनेस खुल जाए यीशु के लहू में कवर करती, छिड़कते यीशु के समर्थी नाम में, ईमानदार बना, वफादारी का आत्मा दे ताकि आपके पीछे चल सके। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती, परमेश्वर दया कर, अनुग्रह दे, शांति दे और तसल्ली दे, सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करें, जो प्रभु सब कुछ बदल देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जी, प्रतापी राजा महाराजा प्रभु की धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, हालेलुया, छुटकारा दे दिया, बोलो धन्यवाद करते, अरे टोना जादू तंत्र मंत्र यदि आपको लगता है कैसी चीजें होती, होली घोस्ट फायर आज उसे डांटे और निकाले यीशु के समर्थी नाम, जिनको डर लगता है, जिनको घबराहट होती, होली घोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए, अरे डर खत्म हो जाए, अंधकार जो दियारे से डरते, होली घोस्ट फायर आजाद हो जाए, प्रभु आपके ऊपर परमेश्वर की रोशनी आपके पर चमके और आजाद हो जाए, परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, आप पर अनुग्रह है, यीशु के लहू में कवर करते, जहां भी जाते हो, जिस काम में जाते, ऑफिस जाते, जॉब जाते, यीशु के लहू में कवर करते, एक्सीडेंट आने में नुकसान को मैं कैंसिल करती यीशु के समर्थ नाम में, आपके रास्ते को परमेश्वर हाले ब्लेस करे, यीशु के लहू में कवर करते हैं, आज का जीवन आप गवाही वाला जीवन जी, कोई पाप वाला जीवन न जी, आप प्रभु के लिए पवित्र बने रहें यीशु के समर्थ नाम में, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते परमेश्वर, आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना, राज भी आपका बनने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए, यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन, सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को हर एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाहियों जो प्रभु ने आपके जीवन में इतने सारे अद्भुत काम किए, यदि आप अदर स्टेट में रहते हैं, दूर में रहते हैं, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं, पर जो चर्च में आकर गवाही देना चाहते हैं आप आ सकते हैं, हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अडर खड़े रहें, और मेरा विश्वास है कि आप ब्लेस्ड होने जा रहे हैं, आप हालेलुया, आप आशीषित होने जा रहे हैं ईश्वर के समर्थ नाम में। तो लगातार अपनी प्रार्थना में यहाँ तक अपने टाइथ, अपनी ऑफरिंग, अपनी भेंट, अपने दशमांश, जैसे परमेश्वर का आत्मा को अगुवाई करता है, परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बो सकते हो, जब प्रभु के राज्य के लिए बीज बोते हो उसके काम को बढ़ने के लिए, तो आप अपने आपका काम कभी कम नहीं हो सकता, बल्कि वो और बढ़ेगा यीशु के समर्थी नाम, आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे, आपके काम में श्राप नहीं होगा, आप सुरक्षित होंगे, आमीन, प्रभु में बढ़ते जाए, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, आप सभी लोगों को जय मसीह की, हालेलुया, सभी का हालेलुया, थैंक यू जीसस।